بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے نبی بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم. سیدھے رستے پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فہم لا. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر. تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے, سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا
और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए। यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तकवियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो, और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन, और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो। ऐसों के जो तुमसे कोई सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मैं क्यों उसकी परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।
क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सकें। इन्नी इज़ल लफी ज़लालिम मुबीन, तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। ربكم فاسمعون, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं सो मेरी बात सुन रखो। قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा, बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए। बिमा गफरनी रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंघाड़ थी सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिउन, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं। और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए। लिया
ताकि ये उन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़्वाज कुल्लहा वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि उस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है। وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है, ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ। न तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ और एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया। وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले। إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहती हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। मैं यंज़ुरून इल्ला सैहतन वाहिदतन तख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्मून। ये तो एक चिंघाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगह उठाया, ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। इन्ना अस्हाबिल जन्नती यौमा
اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا. ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. اور وہ فرمائے گا کہ گنہگارو تم آج الگ ہو جاؤ. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے. اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی. جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है, ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है। ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं। और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं। وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे। मगर वो इनकी मदद की हरगिज़ ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। इनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें, ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करती हैं हमें सब मालूम है। और क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा। और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा। अव्वल मर्रतिन
कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तखलीक को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़ कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला, कामिल इल्म वाला है। उसकी शान यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।